कम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज एंड आई होप यू ऑल आर लाइकिंग क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज ये सीरियल नंबर थर्ड है एंड आई एम नॉट हैप्पी विद द नंबर ऑफ व्यूज। सो ऑल्सो आई हैव अपलोडेड अ वेरी गुड टेस्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो प्लीज go to my channel and try to solve that questions, and very soon jab I will be happy about the number of views, uske kam se kam 50 views ho jaye, then I will upload the solution, video solution. tab tak main question of the day series mein chala hi raha hu. I will try to upload a daily one question, good quality question, but that test is little bit of higher level. kuch question usme kafi acche hain, उनको सॉल्व करो और दोस्तों को शेयर करवाओ, सो दैट आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देखने को जल्दी मिले। तो आज का क्वेश्चन क्या हो सकता है, लेट अस सी। आज का क्वेश्चन मेरे पास, अगर मैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से लेके आया हूँ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन क्या है मेरा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, कुछ क्वेश्चन कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो एक जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके का है, 1+3+5+7, एक मैंने जनरल क्वेश्चन ले लिया है, और इसको मैं रैशनलाइज कैसे करूंगा, हाउ कुड यू रैशनलाइज दिस क्वेश्चन। और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है उस सक्सेसिव टेस्ट में भी, तो इसको कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं, एक तरीका ये कैसे हो सकता है। और मैंने क्या बताया था, जो आपके पास क्या जब आपके पास इस तरीके की कोई चीज आती थी, किस तरीके की चीज आती थी, a+√b, तो आप क्या करते थे, इसको रेशनलाइज कैसे करते थे, इसको आप रेशनलाइज करने के लिए a-√b का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर देते थे, मिलता क्या था। हाँ, अगर यहाँ पर भी हम रूट लगा लें तो भी ऐसे कर देते थे, मिलता क्या था, इसका अलग होल स्क्वायर होता था और इसका अलग होल स्क्वायर होता था। कैसे, इसका अलग होल स्क्वायर हुआ और इसका अलग होल स्क्वायर हुआ, बीच में माइनस और ऊपर तो हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से काम चला रहे हैं, ये हो गया, ऐसा ही करते थे। लेकिन यहाँ पे तो चार रूट है, चार रूट इन द सेंस ये भी रूट में भर सकते हैं, वन और बाहर है, तो ये अब क्वेश्चन टिपिकल हो गया। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ कैन वी All such type of question in which more than three things are available. So don't worry, question is हम इसी बेस पे करेंगे, concept वही, math का concept कभी बदली नहीं होता है। math में खास चीज ये है कि concept doesn't change. So हम इसको कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे। अब अगर मैं clue दूंगा, अभी आप इसको, ये question आपको tough लग रहा होगा, और question करते ही जैसे कि मैंने दो question जो डाले हैं तो वो question अब आपके लिए सरल हो गए होंगे, जितनी बार वीडियो देखेंगे उतना और आपके लिए सरल होता जाएगा वो क्वेश्चन। और मैं चाहता हूं जब आप इस लेवल पहुंचे, 12th पास करने के बाद कोई कंपटीशन दें, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए केवल 15 सेकंड्स में। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू डेवलप योर एप्टीट्यूड। और तरीका यही है, नाइन्थ क्लास से शुरू करना है। आप क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज देखते रहें और अपनी आपकी कंपटीशन की तैयारी हो रही है। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ पेयरिंग कर ली किसी तरीके से। कैसी पेयरिंग की, देखो कैसी पेयरिंग की, पेयरिंग तो मैं इसकी इसकी भी कर सकता हूँ, इसकी भी इसकी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने पेयरिंग इसकी कर ली, देखो अगर मैंने पेयरिंग इन दोनों की है और पेयरिंग मैंने इन दोनों की है, एक चीज देखना, इन दोनों की पेयरिंग की है मैंने, और ये दोनों किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर बाहर आ गए, किसी भी तरीके से बाहर आ गए, और ये दोनों भी किसी भी तरीके से बाहर आ गए और आपस में लड़ गए, आपस में लड़ गए, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, जो बचेगा उससे हम निपट लेंगे, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, मैंने अगले स्टेप में एक पेयरिंग बनाई, अगले स्टेप में एक पेयरिंग बनाई, ये मैंने पेयरिंग बनाई। अब इसको पहले भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने जो
ये था अगर मैंने एक तरीका है, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो देखते हैं करके मैं मिटा देता हूँ। हाँ क्या देखना, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, मैंने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो देखो इस पूरी क्वांटिटी को मैंने क्या मान लिया, ए, इस पूरी क्वांटिटी को ए मान लिया और इस क्वांटिटी को मैंने बी मान लिया। एक मिनट, क्या मतलब, मैंने क्या मान लिया, तो मेरे पास जो कंडीशन आ गई वो इस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई, और अभी मैं अगर इसमें ए माइनस बी से इनटू कर देता हूं तो क्या आने वाला है मेरे पास, मेरे पास आने वाला है, मेरे पास आने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या क्यों किया, बताऊंगा क्यों, क्योंकि मुझे रूल हटाना है, इसलिए किया मैंने, और मैं इनको लड़ाना चाहता हूँ, जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था, मैं दोनों को बिड़वाना चाहता हूँ, इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर चढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने जब देखो एक ही जगह ये मैंने ए माना था, ये बी माना था, ये और ये ऐसे था, इसमें ए इंटू किया तो ये आ गया, तो जब मैं वैल्यू रखूंगा एक ही जगह मैंने क्या रखा 1+√7, मतलब ऊपर का तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ऊपर का तो हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। नीचे क्या होने वाला है, देखो नीचे क्या होने वाला है, इसका स्क्वायर होगा मेरे पास इसका स्क्वायर होगा जो मैंने आपको पहले बताया था, और इसका स्क्वायर अलग होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, अलग होगा, इसका स्क्वायर अलग होगा। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, मैंने जैसे भी वो ऊपर रह गई, जो नीचे वाली क्वांटिटी है मेरी, देखो जो नीचे वाली क्वांटिटी है, अच्छा माइनस साइन चला है तो माइनस लगाना पड़ेगा हमको, माइनस लगाना पड़ेगा, तो उसको उसी तरीके से लिखेंगे, माइनस 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 लगाना पड़ेगा, तो बी वाले हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अच्छा यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस व्हाट 2ab, एग्री। अच्छा अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ऊपर की क्वांटिटी तो मेरी यही रहने वाली है, ऊपर की क्वांटिटी तो मेरी यही रहने वाली है, नीचे क्या आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है 8+√7 -8 -15। देखो 8 से 8 कट गया, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा 1 -3। ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर से चलने दो, ऊपर तो आपको बस लिखते रहना है। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2√7 और -2√15। देखो दो में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब मैं ये चीज है, तो आपने ए बी माना तब भी ठीक है, नहीं माना तब भी ठीक है, तो यहां तक नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, अगर मैंने ए बी ना माना होता, हमने तो ये इक्वेशन जो किया है, ये मैंने यहां पे एक इसको माना था, ए माना था 1+√7 को, और पी माना था किसको, √3+√5। अच्छा 1 को √1 लिखे या √√1 लिखे या 1 लिखे, एक ही चीज है, तो इसीलिए मैंने उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यही स्टेप अगर मैंने, अब आप एक तो इस स्टेप से अगर मैंने यहां ब्रैकेट बंद कर ही लिया है तो मैं इसको यहीं पे कंजुगेट से इंटू कर दूं, तो यही स्टेप रिपीट हो रहा है, देखना अभी इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, ये स्टेप यहीं रिपीट हो रहा है। तो ये क्योंकि आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये √3√5, देखो ये तो यहीं पे आ जाएगा √7, ये स्टेप जो आया था, ये स्टेप आया था, ये हमने यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यहीं मल्टीप्लाई कर, ये हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसे तो करते थे जब दो चीजें रूट में होती थी, a माइनस बी,
उसके डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई कर देते थे, इसके अंदर कुछ ए प्लस बी लिखा हुआ है लेकिन ये लिखा हुआ है, तो इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप नहीं मिल गया। देखो इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप क्या नहीं मिल गया आपको, अगर आपने ये नहीं भी माना होता, अगर आपने ये नहीं माना होता और आपने ये देख के इसको ये देख के नहीं किया होता, आपको पता नहीं मतलब ये हमारी कंडीशन ऐसे आ गई थी, ये एक ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है और इस ब्रैकेट में कुछ और लिखा हुआ है, ठीक, और आपने इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया है लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और वो माइनस आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में हमने सीखा हुआ है हर चीज लिंक्ड है, कोई भी चीज फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करना पड़ता था, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई किया है, कहीं से कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ है। दूसरी चीज रैशनलाइज डिनोमिनेटर को मतलब यह है हमें नीचे से रूट हटाना है, नीचे से रूट हटाना है, और आपको पता नहीं कितनी आइडेंटिटी याद कराई गई है, उन आइडेंटिटी को मेमोराइज करके आपको उसका मल्टीप्लाई करना है कि नीचे से रूट हट जाए। आपको रैशनलाइज डिनोमिनेटर में ये कोई नहीं बताता है, आपको बोलता ये कर दो, क्यों कर दो, आपको रूट हटाना है। अगर आपको ये बताया जाए कि आपको रूट हटाना है, रैशनलाइज मतलब यू नीड टू रिमूव रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो आपको समझ में आ जाए, लेकिन क्या बताया जाता है, कर दो कर दो। तो देखो आपको रूट हटाना है, तो मैंने इसको पेयर करके जब इससे मल्टीप्लाई इस फॉर्म में किया तो देखो ये क्या होगा, ये क्या होगा, जब ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, कुछ भी हो, देखो ये चीज अगर सेम है तो जब ये प्लस माइनस इनटू करेगी तो ये इसका स्क्वायर तो होना ही होना बिल्कुल डेफिनेट है, और इसका स्क्वायर भी होना डेफिनेट है, बीच में माइनस आएगा और प्लस, देखो वो तो होना ही होना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर क्यों देखते हो क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर क्या क्यों देखते हो क्या लिखा है, मैंने ब्रैकेट के अंदर सेम चीज रखी, कुछ भी रखा हो ब्रैकेट के अंदर, जो यहाँ रखा है वही यहाँ रखा है, जो यहाँ रखा है वही यहाँ रखा है, तो बस देखो हम मतलब ही नहीं मंदिर में जा रहे हैं भगवान के पास जा रहे हैं, मतलब नहीं है कि कौन है भगवान, मतलब कोई भी भगवान, मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान को मतलब है, ये नहीं मतलब है किस कौन से भगवान से मतलब है, मंदिर में जा रहे हैं श्रद्धा भाव से जा रहे हैं। तो ब्रैकेट ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट, वो गलती से हम वन प्लस रूट सेवन क्यों पढ़ रहे हैं, हमको तो इससे मतलब ही नहीं है, सेम ब्रैकेट है, हमको होना चाहिए कि हम स्क्वायर करने वाले हैं। तो जो हमने देखो जब इससे इसके साइन इस फॉर्मूले से इससे मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई किया तो देखो ये घट गया, ये चीज आ गई आ गई। अच्छा अब मैं आगे मिटाल रहा हूँ कहाँ से, ऊपर वाला मिटालता हूँ मैं, अच्छा ऊपर वाला मिटालता हूँ मैं, तो अब देखो इसके आगे ये आपकी क्लास का क्वेश्चन बन चुका है। अब ये हाँ अगर टू कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट सेवन माइनस फिफ्टीन। तो अब मुझे रैशनलाइज करने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट सेवन प्लस फिफ्टीन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट सेवन प्लस फिफ्टीन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा देख लीजिए आप, वन माइनस रूट थ्री माइनस रूट फाइव प्लस रूट सेवन, ये हुआ। अच्छा ब्रैकेट में क्या हुआ, रूट सेवन प्लस फाइव, ये तो ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या होगा टू, रूट सेवन का स्क्वायर अलग से होगा और फिफ्टीन का, रूट फिफ्टीन का स्क्वायर अलग से होगा, तो क्या मिलने वाला है हमको, अब आप देख लो, इसकी जगह सेवन आ जाएगा, इसकी जगह फिफ्टीन आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस हो गया, क्या आ जाएगा माइनस एट, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा अभी, तो क्या आ जाएगा वन माइनस थ्री माइनस फाइव प्लस रूट सेवन, और ब्रैकेट में रूट सेवन प्लस रूट फिफ्टीन, ये है ये रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा देखो, नीचे टू, नीचे क्या आएगा टू, ब्रैकेट में सेवन माइनस फिफ्टीन दैट इज एटीन, दैट इज क्या आ जाएगा ब्रैकेट में क्या आएगा टू सेवन माइनस फिफ्टीन, सेवन माइनस फिफ्टीन आएगा, और मैं यहीं पे कर रहा हूँ, सेवन माइनस फिफ्टीन को मैं लिख रहा हूँ क्या एट, कैन आई राइट एट, मैं इसको यहाँ पे एट लिख दूंगा, मैं इसको
एट लिख दूंगा और एट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एट इंटू ट्वेल्व यानी एट इंटू टू इज सिक्सटीन। तो ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे आज क्वेश्चन खत्म हुआ, 16 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो आप देखो, ठीक है। सो प्लीज सी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डे ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड इट इज अ थर्ड सीरियल एंड आई हैव अपलोडेड सम सिमिलर क्वेश्चंस लाइक दिस इन प्रोग्रेसिव टेस्ट सेकेंड, बट आई विल अपलोड द सॉल्यूशन इफ आई विल गेट मोर व्यूज। तो उसको आप दूसरे सेक्शन में आप लोग उसको क्या करें, बच्चों को दें और कंप्लीट सॉल्यूशन देखें इसका। ओके, बाय, सी यू।